अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रावी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही झटपट रेसिपी सिवैयों का मीठा। इसे सिवैयों की खीर भी कहा जाता है। बहुत क्विक रेसिपी है, आसानी के साथ ये बन जाती है, टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। अगर आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को ईज़िली बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स और सिंपल इन्ग्रीडियंट्स के साथ बना सकते हैं और अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी, तो स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। 1 लीटर मैंने मिल्क लिया है, 1/2 कप शुगर ली है, शुगर पाउडर फॉर्म में ली है, 1 कप सिवैयाँ ली है मैंने, ये नट्स लिए हैं 2 टेबल स्पून, आलमंड्स, पिस्ताशोज, काजू, कोकोनट लिया है 2 टेबल स्पून मैंने, डेट्स ली है, खजूर, इसके सेंटर की जो सीड्स होती है वो निकाल के कट कर लिया था, मिल्क पाउडर लेना है 2 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है। अब पहले मिल्क बॉयल करना है, एक पैन ले लेंगे, इसमें 1 लीटर मिल्क ऐड कर देंगे। मिल्क को बॉयल होने के लिए रख देते हैं, जब तक दूसरी तैयारी करते हैं। एक पैन लेना है, इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड करना है। घी जब गर्म हो जाए तो इसमें सिवैयाँ ऐड कर देंगे 1 कप के करीब। इसे कुक करना है 1 मिनट तक, थोड़ा सा फ्राई करना है बस, कलर चेंज होने तक, इसका गोल्डन कलर आ जाए। ये इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। मिल्क बॉयल हो चुका है, अब इसमें ग्रीन इलायची पाउडर ऐड करना है 1/2 टीस्पून। इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। किसी भी स्वीट डिश में मिल्क पाउडर का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, ये फ्लेवर को इन्हेंस कर देता है। मिल्क को गाढ़ा होने तक हम कुक करेंगे, 6 से 7 मिनट के लिए इसे कुक करना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक कर लेंगे। मिल्क गाढ़ा हो चुका है, 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें सिवैयाँ ऐड कर देंगे। 1 कप मैंने सिवैयाँ ली थी, इसे फ्राई कर लिया था। अब मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है ताकि मिल्क का फ्लेवर सिवैयों में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। 5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। बहुत आसानी के साथ ये बन जाता है। सिवैयाँ अच्छे से कुक हो चुकी हैं, मिल्क भी गाढ़ा हो चुका है, सिवैयाँ भी कुक हो चुकी हैं। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसमें शुगर ऐड करनी है, 1/2 कप शुगर ऐड कर दी है मैंने, पाउडर फॉर्म में ली है। नट्स ऐड कर देंगे इसमें, सबको मिक्स कर लेंगे। डेट्स ऐड कर देंगे इसमें, खजूर ली थी मैंने, इसके सीड्स निकाल के इसे कट कर लिया था, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे, ये कुक हो चुका है, सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। मैं डिश आउट कर लेती हूँ इसको। एक बाउल लिया है, इसमें सिवैयाँ ऐड कर देंगे, केसर इसमें स्प्रिंकल कर देंगे, ये ऑप्शनल है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, सिवैयों का मीठा रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये रेसिपी समझ आई होगी, आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है, टेस्ट में बहुत मज़ेदार होती है, बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ बन जाती है। आप इसे ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, सर्दियों में ये गर्म गर्म अच्छी लगती है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन गई है। अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ। मिल्क इसका अच्छे से गाढ़ा हो चुका था, सिवैयाँ इसकी गल चुकी थी, बहुत थिक बनी थी ये। सो व्यूअर्स, आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।